अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मुझे फाइनली मौका मिल ही गया सुबह टाइम व्लॉग बनाने का, वरना पहले मैं इतनी लेट उठती हूँ, मतलब कि 10 मिनट पहले, और फिर 10 मिनट में मैं रेडी हो गई जल्दी जल्दी से और फिर जाती हूँ बस स्टॉप पर, क्योंकि हमेशा ही मैं लेट उठती हूँ। और आज मुझे मम्मा ने, पता नहीं क्यों, मम्मा ने आज मुझे आधा घंटा पहले उठा दिया। और मेरी आज सुबह आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, और अभी भी आ रही है। लेकिन और मेरे कॉलेज आने का दिल भी नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा मैं छुट्टी कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, घर में रह के भी बोर ही हो रहा है, मैंने फिर कॉलेज ही चली जाती हूँ। तो ना आज वैसे काफ़ी देर बाद व्लॉग बना रही हूँ, और अभी मैं रेडी होके कब से बैठी हुई हूँ। और मुझे मैं ये सोच रही थी कि जब मैं लेट उठती हूँ, ठीक है रेडी में इतने टाइम ही हो जाती हूँ, लेकिन मुझे लेट हो जाती है जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके भी रेडी हूँ, फिर भी टाइम रह जाता है पता नहीं कैसे। तो अभी वैसे टाइम हो गया बस के आने का, तो अभी चलते हैं, वरना मैं हमेशा, मैं जब भी जाती हूँ ना, तो बस मेरा वेट ही कर रही होती है। तो अभी चलते हैं हम लोग, इससे पहले ही लेट हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे वापस घर आके और देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। सो गाइस, अभी मैं एक्चुअली आई थी कॉलेज से, और आज का मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ है, इतना अच्छा हुआ हुआ है कि ना मैंने अभी तक मैंने खाना वगैरह खाया यूनिफॉर्म में, और मेरा यूनिफॉर्म चेंज करने का दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई थी और ना भी अभी मैं आई हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा पसीना भी आया हुआ है। लेकिन बाहर मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, इतनी प्यारी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं है मुझे पसीना, ये पसीना नहीं है पता नहीं, मैंने भी मुँह नहीं ना धोया कॉलेज से आके, इस वजह से ऐसे हुआ हुआ है। तो ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हुआ हुआ है, मतलब कि इतनी हल्की हल्की सी प्यारी सी बारिश हो रही है ना, मतलब इंजॉय करने वाली बारिश हो रही है, वरना जो दूसरी कुछ होती है ना मौसलाधार बारिश, उसमें नहाने का मज़ा आता है, लेकिन इसमें वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। और आज सारे दिन कॉलेज में भी इतना अच्छा दिन गुजरा है ना मेरा, उफ मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं कपड़े चेंज कर लूँ, और फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैं शायद सो जाऊंगी, सोऊंगी तो नहीं, लेकिन खैर टेस्ट अपना रिवाइज करूंगी, टेस्ट भी नहीं याद करूंगी मेरे ख्याल से। यार मेरा इतना दिल कर रहा है ना कि मैं कल छुट्टी कर लूं, लेकिन नहीं करूंगी, मम्मा नहीं करने देंगी मुझे छुट्टी। एक तो ये पता नहीं क्या मसला होता है, अभी चलो मैं यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लूँ, बाकी मैं पता है ऐसे ही मैं सोती रहती हूँ, अच्छा ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, बाद में होता कुछ भी नहीं है, बाद में मैं सो जाती हूँ। लेकिन खैर अभी बस एक काम मैं करूँगी, वो यूनिफॉर्म चेंज करना, बाकी जो कुछ भी आपसे बोला है तो वो पता नहीं होगा अभी या नहीं। यार एक तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं करता, मतलब कि इतने अभी 2 हफ्ते शायद या फिर 1 हफ्ता हो गया मुसलसल गुजर गए, और ना उसके बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ इतनी देर बाद, मतलब मुझे फिर जब मैं व्लॉग तब बनाती हूँ जब मुझे टेंशन हो रही हो यार कि मेरे यूट्यूब चैनल को कुछ हो ही ना जाए, इस वजह से बेटा मुझे टाइम ही नहीं मिलता। एक्चुअली मैं आती हूँ आके सो जाती हूँ, क्योंकि ये ना पिछले वीक मेरे टेस्ट थे, और फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो गई, और फिर अभी दोबारा से फिर मेरे टेस्ट चल रहे हैं, तो फिर इस वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी होती हूँ घर में, तो फिर मेरे से व्लॉगिंग भी नहीं होती, लेकिन अभी इंशाल्लाह करूँगी। पिछले व्लॉग में भी शायद मैंने ये बोला था 1 हफ्ता पहले। सो गाइस, अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज करनी है, और ना मैं बस अभी बैठी हुई थी, और फिर अभी आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। और ना आज पूरा घर मेरा दीवाल के घर खाली है, मेरा घर है क्या? नहीं, मेरी मतलब कि अगर मेरा अकेली का होता तो फिर मैं अपना घर कहती ना, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे लगता है मुझे ना दीद मेरे दिमाग पर चढ़ गई है। तो ना अभी मैं ये बता रही थी कि हाँ मैं ना अभी जैसे मतलब कि स्टोर रूम से कपड़े वगैरह चेंज करके आई थी, और मैंने देखा पूरे घर में कोई है ही नहीं, मम्मा भी नहीं, आपी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों गए हुए हैं बाहर, और बाबा अपने रूम में, और मीरा यकीन है स्टडी रूम में जाके सो रही होगी, मैं अभी आपको उसको भी दिखाती हूँ, और एहसन बाहर गया हुआ है, इस वजह से घर में हम तीन अफराद इस वक्त मौजूद है, इस वजह से मुझे पूरा घर इतना खाली खाली लग रहा है ना। वैसे वो तो अपने काम से गए हुए हैं, थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे, और ना वैसे यार अभी बारिश रुक गई है, मैं अभी वही देख के आ रही थी, वरना अगर मैं लेके जाती ना कॉलेज में मोबाइल, तो फिर तो इतना अच्छा व्लॉग बनना था, लेकिन ना फिर मैं अभी लेके नहीं जाती हाँ मोबाइल कॉलेज में, क्योंकि बस वैसे मेरा दिल नहीं करता इस वजह से। और अभी मुझे आज वैसे ना कम नींद आ रही है, वरना मुझे इतनी नींद आ रही होती है कि मेरे पास टाइम भी नहीं होता कि मैं कपड़े चेंज करके या फिर मतलब कि कुछ और का, कभी कभार मैं खाना भी नहीं खाती और मैं आके बस सो जाती हूँ, इतना मैं थकी हुई होती हूँ कॉलेज से। खैर अभी बाहर अभी मीरे के पास चलते हैं अभी बात, और मैं आपको मौसम भी चेक कराती हूँ बाहर का कितना अच्छा हुआ है। देखें आज पूरे बादल फैले हुए हैं सारे आसमान पर,
इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे सुबह टाइम ज़्यादा काले बादल फुल फैले हुए थे, लेकिन अभी तो फिर भी कम हो गया, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हुआ है। सो गाइस, अभी मैं एक्चुअली आई थी मीरब के पास, लेकिन अब वो तो सो रही है अभी फुल, मतलब कि मुझे पता, मुझे लगा था कि ये सो रही होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी सो जाएगी, क्योंकि अभी जब मैं कपड़े चेंज करने गई थी ना तब ये जाग रही थी, और अभी बारिश होने लगी है, क्योंकि मैं कमरे में बैठी हुई थी ना तो मुझे आवाज़ आ रही है बारिश की, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कितनी तेज़ हो रही है, तो अभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लगी है ना मीरब को देख के, और ना मैं सोच रही थी मैं ना, क्योंकि ये ना अलार्म लगा के सोती है, और मैं सोच रही थी मीरब का अलार्म चेंज करके, टाइम चेंज करके, और ना इसको जगा के होंगी, मीरब रात हो गई उठ जाओ, लेकिन मुझे लगता है मेरी बात सुन ली है, ये जाग रही है अभी, मतलब अभी भी सोई है ना इस वजह से। तो ना अभी बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, उफ, लेकिन मुझे नहाने नहीं है क्योंकि मेरी नींद उड़ जाएगी फिर, लेकिन मुझे अभी सोना है। ओ माय गॉड, इतनी तेज़ बारिश यार, एक तो मोबाइल में आई डोंट नो क्यों नहीं शो होती यार, इतनी गलत बात है, वैसे पता ही नहीं चलता कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, नज़र ही नहीं आती यार। मैं सोचा था मैं नहीं नहाऊंगी, और पता मेरे मोबाइल को मैंने पॉकेट में डाल दिया था, और मैं ऐसे ही चली गई, हालांकि मैं सिर्फ एक मिनट के लिए खड़ी होंगी बारिश में, फिर भी इतना सा भीग गया, लेकिन फिर भी यार मैं बड़ा दिल कर रहा है कि मैं नहा लूँ बारिश में, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि यार नहीं नहाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने ये सोते सोते नहा ही लिया, और ना अभी ये जो तीर ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये हमारे जो सेकंड फ्लोर की जो बेल है ना वो करती है, क्योंकि जब उसमें बारिश का पानी लग जाता है ना फिर वो ऐसे करती रहती है, वो बहुत खटा रहा है हमेशा ऐसे, फिर जब बारिश खत्म हो जाती है तब वो ठीक हो जाती है, इवन सेकंड फ्लोर पे, लेकिन फिर भी हमें आवाज़ आती रहती है, शुक्र है ये वाली ख़राब नहीं हुई ना हमारे तो पानी। तो खैर अभी मैं पता क्या करने लगी हूँ, अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं वगैरह नहाने लगी हूँ, बारिश में इतनी प्यारी बारिश हो रही है यार, अल्लाह ऐसे ही मौसम है, बस मैं तो ये दुआ मांगती हूँ, बस इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में अच्छा मौसम होता है ना, और फिर वो भी दो तीन दिन तक नहीं रहता, लेकिन अभी दो दिन हो गए हैं ऐसे ही मौसम है, अल्लाह करे प्लीज़ ऐसी बारिश होती रहे, बस मैं तो ये दुआ मांगती रहती हूँ जब भी बारिश होती है, मुझे बारिश इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है। तो ना अभी मैं नहाने लगी हूँ, और फिर ना इस लोकेटर के एंड कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं नहाऊँगी, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, और फिर मैं सो जाऊँगी। इसी के साथ आज के इस लोकेटर के एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बहुत सारा ख्याल रखें।